Hello dear students, today I am going to teach you a new topic, complex sentence. Complex sentence is very interesting if we try to understand them, although it is known as very difficult sentences because there are many clauses have to use to combine more than one sentences into a complex sentence. So let's see how we will combine a sentence by using clauses, right? तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, राइट? तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं और हमें इन्हें कैसे बनाना है ये आज हमें देखना है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और उस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्लॉजेस का यूज करना है। दो प्रकार की बात पहले मैं करूंगा, तो सेंटेंस दो प्रकार के सेंटेंसेस की बात करूंगा। एक सेंटेंसेस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि पढ़ाने वाला तो मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हूं, बट मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ विषमता भी है और कुछ समानता भी है। तो सबसे पहले बात करूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो बनते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। एक बनकर मिलता है प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी इन दोनों के जोड़ से क्या बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस भी प्रिंसिपल क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज से बनता है, राइट? कोऑर्डिनेट क्लोज इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? लेकिन डिफरेंस क्या होते हैं वो मैं आज यहां बताने वाला नहीं हूं। जब मैं कंपाउंड सेंटेंस का टॉपिक लूंगा तब बताऊंगा। तो मैं आज बात करने वाला हूं सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की, राइट? अब हमें समझना, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं क्या हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है और क्या हमारा प्रिंसिपल क्लोज होती है। इसे समझने के लिए मैंने एक बात लेता हूं, द हार्वेस्ट सेड दैट मैन इज मॉर्टल, राइट? तो इसमें दो क्लोज हैं, एक है द हार्वेस्ट सेड और दूसरी क्लोज है द दैट मैन इज मॉर्टल। तो द हार्वेस्ट सेड है ये हमारे प्रिंसिपल क्लोज के नाम, राइट? और दैट मैन इज मोर्टल ये हमारे कहलाएगी सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक? तो जब इसमें क्या होता है प्रिंसिपल क्लोज स्वतंत्र होती है एकदम, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र वाक्य होता है। जबकि सब ऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है और ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, यानी कि हर्मिट सेड प्रिंसिपल क्लोज हो गई। अब चूंकि इसे किसकी स्वतंत्र है तो इसे जरूरत नहीं है, जबकि इसको प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत पड़ेगी, दैट मैन इज मॉर्टल, राइट? तो हमें समझ में आएगा होगा प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लोज की बनाने की जरूरत पड़ती है। बनी हुई नहीं आती है वाक्य में, वो हमें सबऑर्डिनेट क्लोज बनानी पड़ती है। अब वो कैसे बनानी पड़ती है ये हम आगे देखते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है हमारी नाउन क्लोज, दूसरी होती है हमारी एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरी होती है हमारी एडवर्ब क्लोज, यानी कि पहली नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, राइट? और ये जो क्लोजेस होती हैं, इन तीनों क्लोजेस में किसी ना किसी सबऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शन से आरंभ होती है, यानी कि ये जो चीज होती है ये किसी कंजक्शन से आरंभ होती है, राइट? इस प्रकार से हम जो क्लोज होती है सबऑर्डिनेट क्लोज वो किस
किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू होती है। अब कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जिसे हम बनाते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रयोग से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अर्थात हम कहें कि हम यदि कंजक्शन को बांटे, दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं हम, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और प्रेजेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अब बात आती है कि नाउन क्लोज से हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है, वो अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो नाउन क्लोज होता है वो नाउन क्लोज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, नाउन क्लोज क्या होता है ये आपको पता है, कोई ना कोई कंजक्शन होता है सबऑर्डिनेटेड क्लोज, चूंकि सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन से मिलकर क्या बनता है, नाउन क्लोज बनती है, सॉरी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखना, राइट। और नाउन क्लोज वाक्य में नाउन का कार्य करती है, और ये जो नाउन क्लोज होती है वो किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये हिंदी के कै अक्षर से इसका हिंदी अनुवाद होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाउन जो क्लोज में हम जब वाक्य को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और जिस कंजक्शन का हम इसमें यूज करते हैं उसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो हिंदी के कै अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कुछ कंजक्शंस हैं जिनको मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लो दैट, और यहां पर दैट का अर्थ होता है कि, तो क्या आ गया, जैसे इफ या वेदर जिसका अर्थ होता है क्या, कै शब्द आ गया। जैसे हु इसका अर्थ कॉम्प्लेक्स में की होता है, वैसे कौन होता है तो का आ गया। उसी प्रकार से व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, विच है, इस प्रकार से हम इन कंजक्शंस का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले दैट के प्रयोग से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अमूमन ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनता है नाउन क्लोज में दैट से ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, जैसे राम विल सक्सेस, वी हॉप सो। ठीक है, दो वाक्य हैं, दोनों सिंपल हैं, राम विल सक्सेस, वी हॉप सो, हम ऐसे आशा करते हैं कि राम सक्सेस हो जाएगा अपने आप। अच्छा एक चीज बता दो, अर्थ से जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल क्लोज पहले दे रखी हो, प्रिंसिपल क्लोज बाद में भी आ सकती है। उस प्रिंसिपल क्लोज को हमें जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे तो उसे हम पहले ले आएंगे। ठीक है, तो सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे वी हॉप सो दैट राम विल सक्सेस। ठीक, अब यहां पर फिर आपको बता दे रहा हूं, ये जो वाक्य है ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, और ये जो है ये बन गए हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज। बात समझ आई? ठीक है, तो इस प्रकार से हम दैट का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते, राइट। इस प्रकार से दैट का हमने देखा, अब दूसरा हम देखते हैं व्हाट से। वर्ड का मतलब आपको बताया, देखो ये आपको देखना पड़ेगा सारी चीजें को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, केवल आपको थोड़ा से रूल्स के बारे में बताया जा सकता है जिसको आप अपने से जब वर्क करें, एक्सरसाइज करें तो अप्लाई कर सकें। तो वर्ड इसका मतलब क्या होता कि इसकी एक बहुत सिंपल सी छोटी सी पहचान बता रहा हूँ, हालांकि एक्सेप्शन होता है हर चीज का, कि जब जहां पर वर्ड का प्रयोग करना है तो उन वाक्यों में मोस्टली something, to it या in it का प्रयोग होता है, right? जैसे मैं example देता हूँ, Ram is saying something, ठीक है, Ram कुछ कह रहा है, pay attention it, ठीक है, pay attention it,
राइट। तो इट आ गया, इसमें समथिंग आ गया, तो सीधी सी बात हम किससे इसे कॉम्प्लेक्स बना दें, और से। तो पे अटेंशन, सबसे पहले लेंगे हम पे अटेंशन, ठीक है। अब व्हाट का यूज करेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए, और राम इज सेइंग समथिंग, ठीक है। चाहे तो आप इसे हटा लें, ठीक है। तो पे अटेंशन, व्हाट राम इज सेइंग समथिंग, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेदर, इफ या वेदर से हम वाक्य कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इफ या वेदर वाला वाक्य है और जिसमें हमें इसके प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और मे बी का प्रयोग है, तो मे बी को हटाकर हम किसी भी बी वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस बी वर्ब, ठीक है। बी वर्ब को हम यूज करते हैं किसको हटाकर, मे बी को हटाकर। एग्जाम्पल के रूप में देखें, ही मे बी गल्टी, ही आई डू नॉट नो, ठीक है। तो आई डू नॉट यानी डोंट बोलते हैं इसे, आई डू नॉट नो, ठीक है। इफ या वेदर, वेदर ठीक, ही मे ही इज, मे बी को किसे बदल देंगे हम बी वर्ब में, ही इज गल्टी, ठीक। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। जैसे आप आगे देखे एक और देख लो, वेयर, मान लो वेयर का यूज आता है जहां, मान लो इसमें अमूमन क्या होता है, छोटी सी पहचान बता दूं कि एक तो इसमें वाक्य आता है आपका इंपेरेटिव और दूसरा वाक्य आता है इंटरोगेटिव, और जब हम वेयर से इन दोनों वाक्यों का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जोड़कर, तो हम उस इंटरोगेटिव को एसर्टिव बना देंगे, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, टेल मी वेयर इज माय बुक, ठीक है, टेल मी वेयर इज माय बुक, तो ये इंटरोगेटिव है, ये हमारा इंपरेटिव है, जोड़ देंगे तो टेल टेल मी वेयर, ठीक है, इंपरेटिव बनाएंगे वेयर माय बुक इज, तो इस प्रकार से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब बहुत सारे कंजक्शंस हैं, वाई है, हाउ है, व्हेन है ना। अब इन सब के प्रयोग से हम नाउन क्लोज को बना सॉरी नाउन क्लोज मैन का हम प्रयोग करते हुए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बनाते हुए, इससे हम एक या दो जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको जोड़कर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, उसके प्रयोग से हम वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद सॉरी समझ में आई होगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, ओके। यदि कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, और अगला टॉपिक मैं अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।